नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको ऐसे पौधे से रूबरू कराएंगे हम आपको आज एक अनोखा चीज़ बताने जा रहे हैं अनोखा मतलब कि आप उसके खा उसे खाते हैं उसे देखते हैं उसका फ़्लेवर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में किया जाता है बहुत सारे आप खाने के जो पदार्थ हैं जिसको मिक्स किया जाता है बहुत सारे दुकान में उसकी फ्लेवर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हर सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएँगे और हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे दोस्तों वह एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ही स्वीट नाम लोग अपने यहाँ अपने इंडिया में नामकरण करते हैं लेकिन वो पैदा कहाँ हुआ उसको किस किस कंट्री से लाया गया हम आपको भी बताएंगे दो दोस्तों वह एक पौधा है फ्रगेरिया वर्जिनियाना जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका से लाया गया फ्रांस में और फ्रगेरिया चिलोनीसिस जो लाया गया आपको चाइल्ड कंट्री से लाकर फ्रांस में 1750 ईस्वी इस में इसको ब्रीड किया गया और ब्रीड कराने के बाद सत्रह में इसे ब्रीड कराने के बाद इसका नाम दिया गया फ्रगेरिया अनानासस जो कि आज के टाइम में उसका बहुत ही मेडिसिनल यूज भी होता है उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हम आपको आगे भी बताते हैं कि उसका क्या क्या फ़ायदा है आइए हम आपको उस पौधे से रूबरू कराते हैं ये वही फ़ायदा है दोस्तों इसका फ़ायदा जो है इसे ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है हार्ट के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसे कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा होता है हाई लेवल एंटीटॉक्सिन इसके अंदर होता है ये आपको फैट फ्री होता है लो कैलोरी होता है इसके अंदर मैक्सिमम विटामिन सी और फाइबर होता है मैगजीन भी इसके अंदर होता है दोस्तों सबसे बड़ी बात हैं है कि ये जो है बहुत आपको फ़ायदेमंद होता है ये फाय पौधे के बारे में हम आपको जैसे बताएँ हैं कि नॉर्थ अमेरिका और चाइल्ड कंट्री से लाकर फ्रांस में 1750 में इसको ब्रीड किया गया उसके बाद इसका हाइब्रिड जो नाम हम आपको बता रहे हैं इंडिया में जो लोग जानते हैं बहुत ही प्यारा नाम है एस्ट्राबेरी अब फाइनली इसको देखिए सामने यही है एस्ट्राबेरी हम आपको बताते हैं दोस्तों यही ये यह फल है एस्ट्राबेरी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और इसका ये लीफ है दोस्तों इसके फ्रूट और लीफ को सोयल के साथ यानी मिट्टी के साथ टच नहीं होने दिया जाता है क्योंकि जब ये सोयल और मिट्टी से टच होगा तो वो सड़ने लगेगा इसलिए जब आप इसको लगाते हैं अपने गमले में या अपने घर पे आप इसे घर पे भी उगा सकते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दोस्तों जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें सोयल जो है सोयल जो है गमले में इसके लीफ और फल से टच नहीं होना चाहिए और इसमें उसके लिए आप छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है स्ट्रॉबेरी जो है बहुत फ़ायदेमंद है आपको हर जगह मिल जाएगा आप इस आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं तो हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाह रहे थे दोस्तों इतना डिटेल्स में कि इस पौधे के बारे में आप जाने समझें दोस्तों ये हम आपको जो दिखा रहे हैं आप देखिए ये नर्सरी है ठीक है आप इधर भी दिखाइए इधर ये सारा नर्सरी है हम नर्सरी के कुछ देख रेख करने वाले या इसके मालिक हम कुछ लोगों से आपको बातचीत भी कराएंगे उनसे पूछेंगे कि ये स्ट्रॉबेरी जो है किस मौसम में लगाना चाहिए कहाँ लगाना चाहिए तो आइए आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं क्या नाम हुआ आपका मुकर्रम अली इधर थोड़ा घूम जाइए क्या नाम बताया आपने मुकर्रम अली अच्छा ये कौन सा पौधा है स्ट्रॉबेरी है इसके इसको कैसे लगाना चाहिए ये विंटर सीजन में लगता है और फ्रूट भी विंटर सीजन में ज़्यादा आते हैं इसको लगाना कहाँ चाहिए में शेड मतलब कि छाव में इसको लगाना चाहिए हाँ और हाँ। इसको वाटरिंग बहुत कम चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी से ये गलने लगता है ज़्यादा पानी से गलने, लगता, गलने है। लगता है तो दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए और और क्या क्या इसके लिए मतलब कि इसको देख रेख में क्या क्या चाहिए ज़्यादा धूप धूप इस पर अचानक मतलब डायरेक्ट धूप धूप आएगा तो ये गलने लगता है तो इसको शेडी में रखना बेस्ट होगा शेड में ही रखना बेस्ट होगा तो दोस्तों देखिए ये यही पौधा है आप देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पे स्टोन आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टोन है यही ये यह फ्लावर है ठीक है ये फल है उसका फ्रूट है ये लीफ है तो यही रहा दोस्तों जो हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में बताए हैं तो इसी के साथ जो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप बने रहें हमारे चैनल पर हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनको जाना चाहिए उनको जानकारी हो कि आप जो फल खाते हैं आप जो फल का फ्लेवर जो मिक्स होता है उसका रियल नाम क्या है उसका बोटनिकल नाम भी मैंने आपको बताया है वो किस किस देश से लाया गया वो भी मैंने आपको सब चीज़ बताया है उसका ब्रीड नेम जो है स्ट्रॉबेरी है अपने इंडिया में धन्यवाद